हेलो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू प्लेन टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो आल्सो फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू एंड द इमेज ऑफ द पॉइंट पी ट्रीटिंग दिस प्लेन एज अ मिरर ओके करके सारी चीज़ें फाइंड करेंगे तो लेकिन जो की कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझते हैं की कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग ये समझते हैं अगर क्यू पॉइंट आ जाएगा फिर सारी चीजें आ जाएंगी ना पी क्यू डिस्टेंस भी आ जाएगा इमेज भी आ जाएगा क्यू पॉइंट के लिए समझते हैं क्या करना है पहला की कॉन्सेप्ट है अगर कोई लाइन किसी पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर से पास कर रही है और एक वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो जो आर वेक्टर होता है ये होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ठीक है आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है आर वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इस लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को कि जैसे जैसे आप लेमडा चेंज करते जाओगे यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन मतलब बेसिकली आर वेक्टर क्या है इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन ये मतलब है इसको ठीक है सेकेंड थिंग समझते हैं सेकेंड थिंग मान लेते एक प्लेन है उस प्लेन के अंदर एक पॉइंट लाई कर रहा है ए वेक्टर और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक कोई एन वेक्टर है है ना इसका नॉर्मल वेक्टर है तो इस प्लेन की हम इक्वेशन लिख सकते हैं इक्वेशन कैसे आती है आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन से करेक्ट इनफैक्ट इनफैक्ट अगर प्लेन की ये इक्वेशन के बना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो तो हम यहाँ से डायरेक्ट नॉर्मल वेक्टर भी बता सकते हैं नॉर्मल वेक्टर क्या होगा कोफिशियंट्स ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप ये डायरेक्ट हम नॉर्मल वेक्टर भी बता सकते हैं ठीक है अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मान लिया दिस इज प्लेन टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो पॉइंट पी थ्री टू वन इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ये रहा पॉइंट क्यू है ना तो अगर हम पी क्यू लाइन की बात करें लाइन पी क्यू तो यहां पे हम देख सकते हैं कि पी क्यू इज पैरल टू

है ना ए वेक्टर मतलब जिस पॉइंट से पास कर रहा है थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स किस वेक्टर के पैरल है टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है ना इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लग देता हूँ अरेंज रीअरेंज करके आई कैप सारे एक साथ कर दिए थ्री प्लस टू लेमडा जे कैप को भी अलग कर दिया टू माइनस और के कैप को भी अलग कर दिया अब ये जो पॉइंट है ये जो आर वेक्टर है मैं इसको मान सकता हूं कि क्यू पॉइंट होगा वो भी इसी आर वेक्टर की फॉर्म में ही होगा क्यू पॉइंट भी क्या होगा इसी आर वेक्टर की फॉर्म में एंड क्यू पॉइंट इज लाइंग ऑन द प्लेन क्यू पॉइंट क्या प्लेन पे लाई कर रहा है मतलब क्यू पॉइंट को अगर प्लेन में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए लोग क्यू पॉइंट को प्लेन में पुट कर देते हैं है ना क्यू पॉइंट दिखने में कैसा होगा एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्यू पॉइंट दिखने में थ्री प्लस टू लेमडा कॉमा टू माइनस लैमडा कॉमा वन प्लस लैमडा जैसा होगा है ना प्लेन में पुट कर देते हैं टू टू टाइम्स थ्री प्लस देतेमडा माइनस टू माइनस लैमडा प्लस वन प्लस लैमडा प्लस वन इक्वल टू जीरो सिक्स प्लस फोर लैमडा माइनस टू प्लस लैमडा प्लस टू प्लस लैमडा इक्वल टू जीरो टू से टू कैंसिल एक बहुत बढ़िया वैल्यू आ गई माइनस वन तो यहाँ से क्यू पॉइंट पता चल जाएगा थ्री माइनस टू वन टू माइनस माइनस वन थ्री और वन माइनस वन जीरो एक आंसर तो आ गया क्यू पॉइंट क्यू पॉइंट मिल गया चलो मैं फिर से एक बार डायग्राम बना लेता हूँ अभी एक दो चीज़ें और फाइन करनी है थ्री टू वन थ्री टू पी क्यू डिस्टेंस भी आ जाएगा पी क्यू डिस्टेंस होगा अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट सिक्स पी क्यू डिस्टेंस भी आ गया है रूट से चला गया पी क्यू भी हो गया एंड द इमेज ऑफ द पॉइंट पी इस पॉइंट पी की हमको इमेज फाइंड करनी है भाई अगर इमेज फाइंड करनी है लेट से इसको आप ए कॉमा बी कॉमा सी मान लो तो फॉर इमेज फॉर इमेज है ना हम लोग क्या बोलेंगे पी और आर का मिड पॉइंट क्या है क्यू है मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं थ्री प्लस ए डिवाइड बाई टू कॉम है टू प्लस बी डिड बाई टू कॉम है वन प्लस सी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन थ्री जीरो है ना इसको इक्वेट कर देंगे तो ए कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू माइनस वन इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो बी कोऑर्डिनेट आ जाएगा बी इज इक्वल टू फोर और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो सी आ जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस वन तो इमेज भी आ गई इमेज के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए इमेज क्या आएगी माइनस वन फोर माइनस वन सारे आंसर आ गए थैंक यू